नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वदेशी हेल्थ में। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं नवरात्र मौसम के बदलाव के समय ही क्यों आते हैं? नवरात्र साल में दो बार क्यों आते हैं? नवरात्रि के पीछे का साइंस क्या है? नवरात्रि में ही उपवास क्यों किए जाते हैं? और अगर हम नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं फिर भी ये रोग क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, धर्म क्या है? धर्म स्वस्थ रहते हुए साधना के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना है। बीमार शरीर द्वारा दवाइया खा के ऑपरेशन करवा कर दर्द सह सह कर मुक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे प्रत्येक त्योहारों में, रीति रिवाजों में, पूजा पाठों में, धर्म में पहले शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का उपाय किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति महान है। हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे, लेकिन हमने अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों की संस्कृति को भुला दिया और अपने शास्त्रों को समझने का प्रयास ही नहीं किया और दवाइयों के ही भरोसे बैठे रहे। नवरात्रि भारत में दो बार आती है जब ऋतुएं चेंज होती हैं, क्योंकि इस समय शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इन मौसम चेंज के टाइम ज़्यादातर लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाते हैं। हमारी पूरी प्राण शक्ति शरीर की सफाई में लगा दी जाती है ताकि हमारा शरीर आने वाले नए मौसम के लिए तैयार हो जाए। यदि इस अवस्था में ज्यादा भोजन ले लिया जाए तो प्राण शक्ति भोजन को पचाने में लग जाती है और शरीर के अंदर की सफाई नहीं हो पाती। अगर नवरात्रि में 9 दिनों तक अच्छे से उपवास किया जाए तो आने वाले 6 महीने में रोगी होने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर पहले से भी आप रोगी हैं तो इस समय तो रोग भी ठीक हो जाते हैं। इस समय मौसम सामान्य है, अर्थात न तो अधिक गर्मी है न तो अधिक ठंडी है, तो इस समय उपवास काफी आसान होता है। लेकिन हम तो वर्षों से नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं, फिर हमें ये रोग क्यों आते हैं? हमें दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती है? इसका कारण है, हमने उपवास को बिगाड़ दिया, उसे नियम से नहीं किया। क्योंकि हम दूध से बने पकवान, पनीर, चीनी वाली मिठाइयाँ, साबूदाना, सिंगाड़े के आटे से बनी पूड़ी, साबुत चावल, कुट्टू के आटे तथा तेल में भुने पकौड़े, मूंगफली, आलू चिप्स, चौलाई के लड्डू इस भ्रम में खाते हैं कि इसमें अनाज नहीं है, लेकिन ये अनाज से भी भारी है। इससे अच्छा है उपवास न करें। अगर आप उपवास करते हैं तो थोड़ा वजन कम हो सकता है, इससे घबराना नहीं है। हमें नियम पूर्वक उपवास करके अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है तथा उसे आने वाले नए मौसम के लिए तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं उपवास कैसे करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की भूख, कार्य मनोबल अलग अलग है। उपवास मन की प्रसन्नता के साथ होना चाहिए, मजबूरी में नहीं। मजबूरी में तो भूख हड़ताल होता है जो शरीर को कमजोर बना देता है। आगे मैं उपवास की कुछ विधि बताऊंगा जिसमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। पहला है जल उपवास। इसमें आपको जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी मुख में चला चला कर पीना है। दूसरा है रसाहार उपवास। इसमें आप नारियल पानी, पेठे का रस, कच्ची सब्जियों का रस जैसे पालक, टमाटर, लौकी का रस ले सकते हैं। नींबू का पानी बिना नमक, चीनी के, सब्जियों का सूप बिना मसाले तेल के ले सकते हैं। तीसरा, हरा भरा खाना जैसे सुबह नारियल पानी, पेठे का रस या कच्ची सब्जियों का रस तथा दोपहर में सब्जियों का सलाद लें बिना नमक के। शाम को फिर कोई रसाहार और रात में कोई फल प्लेट भर के खा सकते हैं। इन तीनों में से कोई विधि अपना सकते हैं। कितने दिन आप जल उपवास, रसाहार या हरा भरा खाना चाहते हैं ये आप खुद चुनाव कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती ना करें। अगर आपको हाई बीपी या डायबिटीज है तो आप देखेंगे कि दवाइयों की मात्रा कम हो जाएगी। कुछ लोग उपवास में दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं, बिल्कुल ना करें, ये जहर है। इस नवरात्रि में आप कैसा आहार लेंगे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।